एचआईवी और एड्स को हम कैसे टाल सकते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एचआईवी, और एड्स मतलब ऑटो इम्यून डिसीज, ये सिंड्रोम है, ऑटो इम्यून डिसीज सिंड्रोम एड्स। एचआईवी से एड्स होता है। तो एचआईवी कब होता है कि एचआईवी मतलब एचआईवी के जो वायरस है, ये जो वायरस जब बदन में कोई किसी के घुस जाता है तो उसको एचआईवी होता है। और एचआईवी का मतलब क्या है कि उसकी जो प्रतिकार शक्ति है वो प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है। कोई भी बीमारी को प्रतिकार करने की शक्ति मतलब ताकत कम हो जाती है। और एचआईवी हो गया तो फिर जल्दी जल्दी बीमारियां होना शुरू हो जाता है, जैसा खांसी, बुखार, बदन में दर्द, पेट की शिकायत, जलन, ऐसे कोई भी विकार फटाफट हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज को प्रतिकार करने की जो बदन की शक्ति वो निकल जाती है, कम हो जाती है। तो यह है वायरस अपने अंदर में घुसने से। अब यह वायरस कहाँ से आता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वायरस जाता है संपर्क आने में। संपर्क कैसे आता है? खून से खून तक, ब्लड से ब्लड तक संपर्क आ सकता है। दूसरा सीमेन मतलब धातु, लैंगिक स्त्राव, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को टच होता है तो। और टच कहाँ होता है? जो मेम्ब्रेन्स है, मेम्ब्रेन मतलब अंदर का आवरण, वहां कोई भी स्त्राव वो टच हो जाता है। स्त्राव कौन से है? धातु, लैंगिक स्त्राव, योनि का स्त्राव, रेक्टल स्त्राव मतलब जहां से पेशाब होती है गुदद्वार, वहां का स्त्राव। तो ये जो स्त्राव है, तो ये स्त्राव कोई भी मेम्ब्रेन को, कोई भी अंदर का आवरण है उसको टच करते तो वहां से वो अंदर घुस जाता है खून में दूसरे व्यक्ति के। मतलब क्या है कि एचआईवी वाला एक पेशेंट है, उसका स्त्राव है, और ये स्त्राव ये दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से वो स्त्राव उसके खून में चले जाता है थ्रू मेम्ब्रेन, और ये भी व्यक्ति दूसरा बाधित होता है। अब एचआईवी होने के बाद में एड्स होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एचआईवी के पेशेंट ने यदि एचआईवी पॉजिटिव निकला हो तो उसने यदि बराबर दवाई लिया और दवाई जैसी प्रिस्क्राइब किया वैसी लिया तो आदमी 25-30 साल उसको कुछ भी होगा नहीं, नथिंग विल हैपन। मगर वो दवाई लेता नहीं है तो क्या होता है कि ये जो वायरस है ये अटैक करता है जो प्रतिकार करने के जो अपने व्हाइट सेल्स है, CD4 सेल्स बोलते हैं उसको, CD4, उसका काउंट जो रहता है हमारे बदन में वो है 500 to 1000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो वो जो काउंट है वो काउंट मतलब उसके ऊपर वो घाला मारता है, और वो जो काउंट है मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स में CD4 जो काउंट है, तो वो CD4 काउंट 500 से नीचे आता है। जब तो 200 तक आ जाता है तब उसको एड्स हुआ ऐसा बोलते हैं, मतलब उसकी प्रतिकार करने की शक्ति बहुत ही कम हो जाती है, और फिर उसको बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। उसको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, अलग अलग तरह की बीमारियां उसको होती है, और वो बीमारियां को विरोध करने की ताकत रहती नहीं, और उसमें वो एक 2 या 3 साल में, एक बार एड्स हो गया 2-3 साल में आदमी खलास हो जाता। अब इसको टालना है तो क्या किया जाए? टालना है तो एक तो अपनी भूख जो है सेक्स की भूख वो कभी भी बाहर मिटाने का नहीं है। एक ही व्यक्ति के साथ में आप सेक्स कर रहे हो तो फिर एचआईवी होने का चांसेस नील हो जाता है। तो आप कहीं भी बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, प्री मैरिटल रिलेशनशिप नहीं रख रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपना बहुत भरोसा रहता है कि नहीं नहीं ये व्यक्ति और कोई संपर्क में आई नहीं होंगी, ऐसा अपने को लगता है, और वो व्यक्ति यदि कोई संपर्क में आई होंगी किसी के साथ में और उसकी वजह से उसको एचआईवी हुआ है तो वो अपने को लग जाएगा। कोई बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर बहुत भरोसा रखता है कि नहीं नहीं अपने साथ में बहुत वफादार है, मगर वो गर्लफ्रेंड का और किसके साथ में संबंध आया रहता है और उसको एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ है तो इसको भी हो जाता है। तो ये पहला है कि संपर्क ही मत आने दो। दूसरा है फिर संपर्क आता है तो कंडोम का वापर करो, और एक नहीं दो दो कंडोम लगाना पड़ता है, और अच्छे क्वालिटी के कंडोम। तीसरा है कि एक ही व्यक्ति से आप हरदम संपर्क रखो, और उससे वहाँ कोई संपर्क में प्रॉब्लम है तो हस्तमैथुन करो। हस्तमैथुन करने से आपकी सेक्स की इच्छा बहुत शांत हो जाती है, कम हो जाती है, और फिर आपको बाहर जाने की इच्छा होंगी नहीं। तो ये तीसरा है। चौथा है, कुछ लोग सेक्स डॉल का वापर करते हैं, मतलब लेडी जैसी वो डॉल आती है बाहुली, और उसके साथ में रबर का रहता है सिलिकॉन रबर, और उसके साथ में सेक्स करते हैं तो सेक्स का आनंद उतना ही मिल सकता है जितना कोई लेडी के साथ में करते हैं, तो वहाँ से भी सेक्स की शांति हो सकती है। तो ये सब करने से क्या होगा कि कोई भी बाहर आपका संबंध आएंगा नहीं, और बाहर कोई संबंध किसी के व्यक्ति के साथ में आता नहीं है, एक ही व्यक्ति के साथ में आपका संबंध है और वह घर में पत्नी के साथ में, तो एचआईवी या फिर एड्स होने का कोई धोखा नहीं है। देखो, एचआईवी के लिए बहुत सारे विज्ञापन पेपर में आते रहते हैं,
और लोग उसको बलि पड़ते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ अभी उपलब्ध करवा के दी हुई है। आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो और वहाँ HIV की दवा लेते हैं और वो दवा कंटिन्यूस रखते हैं तो आपको एड्स होने का कोई चांस है नहीं, या एकदम लिस्ट मिनिमम चांस हो जाता है। तो बाहर कहीं जाने का नहीं, बाहर खर्चा करने का नहीं, और कभी भी कोई किसके भय आने का नहीं, सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ अपनी ट्रीटमेंट करवा के लो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे वीडियो आपको हमारे चैनल में बार बार आते रहेंगे। मेरा ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्टर के, उसमें आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियोज आपको वहाँ मिलेंगे। और आपको ये इसके बारे में, आज के विषय के बारे में कोई सवाल होंगे तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए उपलब्ध हूँ और आप सवाल जवाब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।